Hello, my name is Mini Seti. Today I'm going to discuss about cognitive behavioral therapy. Cognitive behavioral therapy को हम short में बोलते हैं CBT. अब ये CBT है क्या? CBT एक तरह की treatment therapy है, जिसका use कई तरह की mental illness जैसे depression के लिए, anxiety disorder के लिए, eating disorder के लिए या drug addiction के लिए किया जाता है. CBT क्या है? एक तरह की therapy है, treatment therapy है, जिसका use किया जाता है कई तरह की mental illness के लिए, जैसे depression के लिए, anxiety disorder के लिए या drug addiction के लिए या कई तरह के eating disorder के लिए use किया जाता है cognitive behavioral therapy का, CBT का. CBT में सबसे अच्छी बात पता क्या है? CBT में सबसे अच्छी बात ये है, अगर आपको माइल्ड सा डिप्रेशन फील हो रहा है या माइल्ड से एंग्जायटी इश्यू है, तो इसका यूज आप खुद पे खुद कर सकते हो. CBT में क्या कि में सबसे अच्छी बात क्या है, अगर आपको माइल्ड से डिप्रेशन की इश्यू है, माइल्ड से एंग्जायटी की इश्यू है, तो इसका यूज आप अपने आप पे भी कर सकते हो या फिर अपने लव्ड वन पे भी कर सकते हो. ओके, तो अब CBT है क्या? CBT बेसिकली आपकी सोच पे काम करती है, आपके थिंकिंग प्रोसेस पे काम करती है. आप किसी चीज को कैसे परसीव करते हो, आप किसी सिचुएशन को कैसे एनालाइज करते हो, उस पे काम करती है. ठीक है, बेसिकली CBT का एम क्या है? आपकी डिस्टर्बिंग थॉट को आइडेंटिफाई करना. CBT का एम क्या है? आपकी डिस्टर्बिंग थॉट, जो आपकी इररिलेवेंट थॉट है ना, उसको आइडेंटिफाई करना. सिर्फ आइडेंटिफाई नहीं करना बल्कि उसको चेंज करना. CBT का बेसिकली एम क्या है? जो आपकी इररिलेवेंट थॉट है, जो आपकी डिस्टर्बिंग थॉट है, उसको आइडेंटिफाई करना प्लस उसको चेंज करना. इसमें थेरेपिस्ट मेनली क्या करते हैं? जो आपकी इररिलेवेंट थिंकिंग है, जो आपकी बिना मतलब की थिंकिंग है, जो आपकी बिना मतलब की नेगेटिव थिंकिंग है, अनरियलिस्टिक थिंकिंग है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं. सिर्फ आइडेंटिफाई नहीं करते बल्कि चेंज करते हैं, क्योंकि जो हमारी सोच है ना, वो ही हमारे बिहेवियर और इमोशन को भी इंपैक्ट करती है. ठीक है, हमारी जो डिस्टर्बिंग थॉट है ना, वो नेगेटिव इंपैक्ट डालती है हमारे बिहेवियर पर और हमारी फीलिंग पे. हमारी डिस्टर्बिंग थॉट क्या करती है? हमारे बिहेवियर पे और हमारी फीलिंग पे नेगेटिव इंपैक्ट डालती है, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा फील करते हैं और वैसा ही बिहेव करते हैं. जैसे मान लो एक बंदे की थिंकिंग क्या है, जैसे मान लो एक बंदा ऐसे सोच रहा है, आई एम वेरी गुड, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई कैन डू इट, आई एम एबल टू डू इट, उसकी थिंकिंग ऐसी है. जब मान लो हम अपने बारे में ऐसा सोच रहे हैं, आई एम वेरी गुड, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई कैन डू इट, अगर मैं ऐसा सोच रही हूं तो ऑब्वियसली जब मैं ऐसा सोच रही हूं तो मैं फीलिंग भी तो ऐसे क्रिएट करूंगी ना. जब मैं कुछ अच्छा सोच रही हूँ तो मैं अच्छा फील भी तो करूंगा. जैसे मैं ये सोच रही हूँ, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई एम वेरी गुड, ये मेरी सोच है, ये मैं अपने मन में सोच रही हूँ, तो मैं फील भी तो अच्छा करूंगी ना, और फील अच्छा करूंगी तो मैं बिहेव भी अच्छा करूंगी. ठीक है, जब मैं बहुत खुश हूँ, जो मुझे अंदर से बहुत अच्छा फील कर रहा है, मेरा मन करेगा ना लोगों से बात करूं, अपने फ्रेंड से बात करूं, फोन पे बात करूं. ठीक है, दूसरी तरफ क्या है, अगर मैं ऐसा सोच रही हूँ, मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं किसी लायक नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, अगर मेरी थिंकिंग ऐसी है तो मेरी फीलिंग भी क्या होगी? वैसी होगी, मैं बुरा फील करूंगी, सैड फील करूंगी. जब हम सैड फील करते हैं तो हमारा किसी से बात करने का मन करता है? हम फोन भी नहीं रिसीव करते, किसी के मैसेज का रिप्लाई भी नहीं करते. ठीक है, अपने फ्रेंड से भी बात नहीं करते, अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं. ओके, तो इसमें क्या होता है, आपकी जो थिंकिंग है वो आपकी फीलिंग को भी इम्पैक्ट करती है और आपके इमोशन को भी इम्पैक्ट करती है. आप जैसा सोचोगे वैसा फील करोगे और वैसा बिहेव करोगे. और कॉग्निटिव थेरेपी जो होती है, ये सीबीटी है, इसका मेन मोटिव ही यही है, आपकी थिंकिंग को आइडेंटिफाई करना, जो आपकी इररिलेवेंट थिंकिंग है ना उसको आइडेंटिफाई करना, ताकि आपकी थिंकिंग के थ्रू आपकी फीलिंग को चेंज किया जा सके और आपके बिहेवियर को चेंज किया जाए. तो सीबीटी का बेसिकली मोटिव क्या है? आपकी थिंकिंग को आइडेंटिफाई करना, उस थिंकिंग अकॉर्डिंग आपकी फीलिंग को चेंज करना, फिर उसके अकॉर्डिंग आपके बिहेवियर को चेंज करना. इसे हम एक विद एग्जांपल समझेंगे कि सीबीटी कैसे वर्क करती है. ओके, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं सिचुएशन का. ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक सिचुएशन. ठीक है, अब इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, एक वाइफ है. ओके, वो रोज लंच टाइम में अपने हस्बैंड को फोन करती है. वाइफ क्या करती है, रोज लंच टाइम में अपने हस्बैंड को फोन करती है और उसके हस्बैंड उसका फोन रिसीव भी करते हैं. लेकिन आज क्या हुआ, उसके हस्बैंड ने उसका फोन रिसीव नहीं किया. आज क्या हुआ, वाइफ ने अपने हस्बैंड को जब कॉल लगाया तो उसके हस्बैंड ने उसके फोन को रिसीव नहीं किया और 3-4 आवर तक कॉल बैक भी नहीं किया. तो वाइफ ने अपने माइंड में क्या अज्यूम किया, अपने माइंड में क्या सोचा, यहां से शुरू होती है थिंकिंग. वाइफ ने क्या सोचा कि मुझे
वो जानबूझ के अवॉइड कर रहे हैं, मुझे जानबूझ के इंसल्टेड फील करा रहे हैं, ठीक है, शायद मुझ में ही कोई कमी है, शायद मुझ में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, इस तरह की थिंकिंग उनके माइंड में क्रिएट होने लगी। सिचुएशन क्या थी, हस्बैंड ने आज वाइफ का फोन नहीं उठाया, ये सिचुएशन थी। इसे सोचकर वाइफ के माइंड में क्या सोच आ रही है, मुझे जानबूझ के इंसल्टेड फील करा रहे हैं, मुझे जानबूझ के अवॉइड कर रहे हैं, शायद मैं इसी लायक हूं, उनमें मेरा इंटरेस्ट कम हो गया, इस तरह की थिंकिंग उनके माइंड में चल रही है। अब ये थिंकिंग से क्या हो रहा है, ऑब्वियसली मन में बुरा चल रहा है, मन में नेगेटिव थिंकिंग चल रही है, तो अच्छा तो फील नहीं हो सकता। तो फीलिंग कैसी क्रिएट हो रही है, ठीक है, मुझे जानबूझ के अवॉइड कर रहा है, ऐसा कैसे कर सकते हैं, इस तरह की फीलिंग क्रिएट हो रही है। गुस्सा, कोई अगर हमें जानबूझ के अवॉइड करे, जानबूझ के हमें इंसल्टेड कराए, तो हमें गुस्सा नहीं फील होगा, एक फीलिंग क्रिएट हो रही है, एक इमोशन क्रिएट हो रहा है एंगर का, गुस्से का, ठीक है। अब बिहेवियर क्या होगा, सोच नेगेटिव, नेगेटिव सोच, नेगेटिव थिंकिंग, एंटी नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव इमोशन एंगर, ठीक है, नेगेटिव थिंकिंग से नेगेटिव इमोशन आया, उस नेगेटिव इमोशन ने क्या क्रिएट करा, आपका नेगेटिव बिहेवियर, ठीक है। नेगेटिव बिहेवियर क्या, अपनी फ्रस्ट्रेशन बच्चों पे निकाल दी, बिना मतलब पे बच्चे के थप्पड़ मार दिया, बिना मतलब पे बच्चे को डांट दिया, बच्चे को आज पार्क लेके जाना था वो भी नहीं लेके गई, ठीक है। तो आप उन्होंने क्या किया, इस नेगेटिव थिंकिंग की वजह से नेगेटिव इमोशन क्रिएट हुआ एंगर का, इस नेगेटिव इमोशन की बदले में क्या हुआ, नेगेटिव बिहेवियर हुआ। फिर क्या हुआ, इस नेगेटिव बिहेवियर में एक नई और सिचुएशन को क्रिएट करा, इस तरह से यहाँ तो बच्चे पे अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाली थी, बच्चे तो कुछ नहीं बोला, अब दूसरे किसी और पे अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल दी, ऐसे अगर वो बार बार करेंगी तो ये नेगेटिव बिहेवियर एक नेगेटिव सिचुएशन और क्रिएट करेगा। जो बंदा इतना गुस्सा करेगा, अपनी फ्रस्ट्रेशन दूसरों पर निकालेगा, उससे कोई बात करेगा, हम करते हैं कोई बात, उससे धीरे धीरे क्या करेंगे, और लोग भी इनको अवॉइड करना शुरू कर देंगे, कम बात करेंगे इनसे, फिर ये सिचुएशन क्या करेगी, एक फिर नई थिंकिंग को क्रिएट करेगी, ये नई थिंकिंग फिर नए इमोशन को क्रिएट करेगी, ये नया इमोशन फिर नए बिहेवियर को क्रिएट करेगा, ये साइकिल क्या चलता ही रहेगा। ये साइकिल कितने वीक तक चल रहा है, कितने मंथ तक चल रहा है पता नहीं, जितना लंबा ये साइकिल चलेगा उतना ये जो लेडी थी उसके माइंड में क्या आएगी, एंग्जायटी आएगी, एक लेवल ऐसा आएगा ये लेडी एक नेगेटिव पर्सन बन जाएगी, अपने आप को सोशली आइसोलेट कर लेगी, इनका मन नहीं करेगा किसी से बात करने का, किसी का फोन रिसीव करने का, अपनी जो एक्टिविटी में पहले ये इंटरेस्टेड थी, अपने बच्चे के साथ खेलना, गेम्स खेलना, प्ले ग्राउंड में जाना, फुटबॉल खेलना, उन सब में इनका धीरे धीरे इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये अपनी थिंकिंग में उलझ चुकी है, अपनी सोच में उलझ चुकी है, अपनी नेगेटिव थिंकिंग में फंस चुकी है ना, उसे बाहर नहीं आ पा रही, इनकी सोच ये खुद के ही अगेंस्ट हो चुकी है, ठीक है। ये लेडी के एक तरह की नेगेटिव इंसान बन जाएगी, फिर हर चीज को नेगेटिव वे में एनालाइज करेगी, अपने आप को दूसरों से आइसोलेट कर लेगी। अब ये क्या है, डिप्रेशन में है, ठीक है, ठीक है, डिप्रेशन में अब इनके लिए यूज किया जा रहा है किसका, सीबीटी का, ठीक है। सीबीटी में बेसिकली जो आपके थेरेपिस्ट होते हैं वो आपकी सोच को आइडेंटिफाई करते हैं। ये साइकिल शुरू कहाँ से हुआ था, वो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन ले सकते हैं, हम इसी सिचुएशन का एग्जांपल लेके कंटिन्यू करेंगे। अब इसमें थेरेपिस्ट क्या करते हैं, अब थेरेपिस्ट क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन, हम इसी सिचुएशन का एग्जाम्पल ले रहे हैं, इस सिचुएशन में जो मेन साइकिल शुरू कहाँ से हुआ था, क्योंकि हस्बैंड ने वाइफ का फोन नहीं उठाया था, इसलिए क्या था, वाइफ के माइंड में थिंकिंग क्रिएट हुई थी। कौन सी थिंकिंग क्रिएट हुई थी, कि वो मुझे जानबूझ के इंसल्टेड फील करा रहा है, मुझे जानबूझ के वो अवॉइड करे, ये थिंकिंग क्रिएट हुई थी। अब थेरेपिस्ट उनसे पूछेगा, आपके पास क्या प्रूव है कि आपके हस्बैंड आपको जानबूझ के इंसल्टेड फील करा रहे थे, क्या ये बात उन्होंने अपने मुंह से तुम्हें बोली, अपने मुंह से उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें अवॉइड कर रहा हूँ, मेरी लाइफ से चली जाओ, मैं तुम्हें इंसल्टेड फील करा रहा हूँ, ये क्या उन्होंने ये सब अपने मुंह से बोला, वो कहेंगे नहीं, ठीक है। ऐसे कई सारे क्वेश्चन पूछेंगे, प्रूव मांगेंगे, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो इसका प्रूव क्या है, ठीक है, वो इसे अगर आप इसको इस आपकी जो थिंकिंग अगर ये मानते हो रियलिस्टिक है तो इसका मुझे प्रूफ बताओ, ठीक है। ऐसे कई सारे उनसे क्वेश्चन पूछेंगे, ऑब्वियसली इनका कोई प्रूफ तो रहेगा नहीं। फिर थेरेपिस्ट क्या करेंगे, उनके इस नेगेटिव थिंकिंग की जगह पॉजिटिव थिंकिंग को रिप्लेस करेंगे। पॉजिटिव थिंकिंग को कैसे रिप्लेस करेंगे, हो सकता है उन्होंने आपका फोन इसलिए ना उठाया, आज उन पे वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा हो सकता है कि आज उनके बॉस ने उनको डांटा हो, वो खुद इतने ज्यादा स्ट्रेस में हो, खुद इतने ज्यादा परेशान हो, वो तभी आप उनकी परेशानी
परेशानी को समझ ना जाओ या उनकी अपनी परेशानी तुम आप पे ना उतार दे इसलिए आपसे बात ना कर रहे हो, वो खुद बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो, टेंशन में हो, वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा हो, ओवरलोड हो और आज उनको बॉस ने भी डांट लगाई हो सकता है ये वाली सिचुएशन हो इसलिए उन्होंने आपका फोन रिसीव ना किया हो, तो इमिडिएटली क्या होगा जो एंगर का इमोशन था ना लव के इमोशन में, सिंपथी के इमोशन में क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, जैसे थिंकिंग चेंज होगी तो इमोशन चेंज हो जाएगा, वो एंगर का इमोशन लव के इमोशन में, सिंपथी के इमोशन में क्रिएट हो जाएगा, तो अल्टीमेटली जब इमोशन चेंज होगा तो बिहेवियर भी चेंज हो जाएगा। तो सीबीटी आपकी इसी तरह से काम करती है, आपकी नेगेटिव थिंकिंग, ये तो मैंने आपको ऐसे एग्जांपल दिया, इस तरह से थेरेपिस्ट बहुत ज्यादा जो नेगेटिव सिचुएशन होती है उसे एनालाइज करने के लिए बोलते हैं, उनके बारे में जो क्लाइंट है उनके व्यू मांगते हैं कैसे है, फिर उनको कहते हैं इसे प्रूव करो, ठीक है, फिर इनको प्रूव करो, फिर उसकी जगह पे वो रियलिस्टिक थिंकिंग क्या होते हैं जो कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग होती है उसको रिप्लेस करते हैं। बेसिकली इसमें थेरेपिस्ट क्या करते हैं आपके थिंकिंग प्रोसेस को चेंज करते हैं, क्योंकि थिंकिंग प्रोसेस चेंज होगा तो आपके इमोशंस चेंज होंगे, इमोशन चेंज होंगे तो अल्टीमेटली आपका बिहेवियर चेंज होगा, आपके एक्शन चेंज होंगे। जो सीबीटी है वो एंग्जायटी के लिए डिफरेंट होती है, डिप्रेशन के लिए डिफरेंट होती है, ड्रग एडिक्शन के लिए डिफरेंट होती है। ठीक है, तो ये मैंने बेसिकली आपको छोटा सा एग्जांपल दिया था, अगर आप फर्दर सीबीटी पे और वीडियो चाहते हैं तो प्लीज बताइएगा, आई थिंक आपको समझ में आएगा। थैंक यू।